कल दिनांक 4 अगस्त 2023 को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश पूर्वांचल के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने पर श्री नीरज तिवारी जी ने अपना भव्य तरीके से पद ग्रहण किया। दीप जलाने उपरांत सारे पूर्वांचली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तथा पूर्वांचल के सारे प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष तथा कार्यकर्तागण मौजूद थे। दीप ज्वलन के बाद सभी लोगों को संबोधित किया। हर समय इन लोगों ने मुझे मार्गदर्शन दिया और जब भी मैं थोड़ा सा परेशान होता था, दुखी होता था, क्या करना चाहिए, इन लोगों से मार्गदर्शन लेता था और इन लोगों ने हमेशा यही सुझाव दिया कि चले बेटी, चले बेटी, चले बेटी, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। यही एक प्रारूप है। यहाँ काफी सारे लोग उपस्थित हैं, अखिलेश शुक्ला जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने अभी कई सारे नौजवानों को आम आदमी पार्टी से यहाँ विलय कराया था इसी मंच पर जब मैं प्रदेश में मंत्री था। एक ऐसा समूह, मैं सबका नाम ले रहा हूँ, जगदम्बा जी जो हमेशा हमको किसी भी कार्यक्रम में, छोटा कार्यक्रम हो या बड़ा हो, उनका साथ समर्थन हमेशा मिलता रहा, चाहे यूपी का कार्यक्रम हो या नमो सेवा केंद्र का हो या पूर्वांचल मोर्चा का हो। हम लोग एक दूसरे से, अभी जो मैं सुन रहा था ये कोई भाषण नहीं था, चाहे ऑफिस गया था मुझे काम नहीं करना है, पार्टी में बोले नहीं करना चाहिए, तो आप लोगों का जो प्रेम स्नेह मिला उसके बदौलत मैं आज पार्टी में यहाँ हूँ, माइक के पास हूँ, मंच पे हूँ। बहुत सारे सीनियर्स लोग यहाँ होंगे जो हमसे काबिल हैं, इन्होंने हमसे बहुत पहले से भी पार्टी का सेवा किया, लेकिन आप लोगों के सहयोग के कारण, आप लोगों के मार्गदर्शन के कारण, आप लोगों का प्रेम, मैं यही मानता हूँ कि आप लोगों का प्रेम स्नेह आज मुझे यहाँ तक लाया है और भविष्य में भी प्रेम का मैं हमेशा कद्र करूंगा और एक ऐसी टीम बनाई जाएगी जो जन जन तक जाके इस दिल्ली में 1 से 11 विधायक। अपने संबोधन के बाद पूर्वांचली कार्यकर्ताओं से नीरज तिवारी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से मिले और सारे पूर्वांचल के कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उत्साह था जो देखने को मिला। श्री नीरज तिवारी जी के ऊपर सारे पूर्वांचली भाइयों का एक विश्वास जो देखने को मिल रहा है, आगे चल के श्री नीरज तिवारी जी इस पे खरे उतरेंगे और पूर्वांचलियों का आगे बागडोर संभालने का काम करेंगे।